शुक्रवार 15 जुलाई को 24 जिलों में गरज चमक के साथ भारी बारिश को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। वर्तमान में 4 वेदर सिस्टम एक्टिव हैं और गुजरात में हवा के ऊपरी भाग में एक चक्रवात बना हुआ है, जिसके असर से अरब सागर में नमी मिलने लगी है और इस चक्रवात से 16 जुलाई शनिवार को कम दबाव में बदलने की संभावना है। MP मौसम विभाग के अनुसार 7 संभागों और गुना जिलों में बिजली गिरने और चमकने की चेतावनी जारी करते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश मौसम विभाग के अनुसार नर्मदापुरम और भोपाल संभाग के साथ खंडवा, धार, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, नीमच, मंदसौर, गुना, उमरिया, कटनी, जबलपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं इंदौर, उज्जैन, भोपाल, नर्मदापुरम, सागर, जबलपुर और शहडोल संभागों में और गुना जिलों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने और चमकने का भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश मौसम विभाग के अनुसार इस समय 4 वेदर सिस्टम एक्टिव हैं। एक मानसून ट्रफ लाइन गंगानगर, कोटा, गुना, सागर, जबलपुर, पेंड्रा रोड से होकर ओडिशा में बने कम दबाव के क्षेत्र तक बनी हुई है। महाराष्ट्र में विपरीत दिशा की हवाओं का टकराव हो रहा है। दक्षिण गुजरात में हवा के ऊपरी भाग में एक चक्रवात मौजूद है। इस चक्रवात से शनिवार तक कम दबाव क्षेत्र में परिवर्तित होने के आसार है। 16 जुलाई तक पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं भारी बारिश और 19 जुलाई तक मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में रुक रुक कर बारिश होने की संभावना है। मध्य प्रदेश मौसम विभाग के अनुसार एक पश्चिमी विक्षोभ अफगानिस्तान के ऊपर है, जो कि 48 घंटों में जम्मू कश्मीर पहुंच सकता है। मानसून ट्रफ लाइन जैसलमेर, कोटा, गुना, सागर, जबलपुर, पेंड्रा रोड होते हुए गुजर रही है। ग्वालियर मानसून ट्रफ लाइन के उत्तर में स्थित है। बंगाल की खाड़ी में नया कम दबाव का क्षेत्र बनने पर ही बारिश के आसार है। अरब सागर में भी कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के अरब सागर के सिस्टम सहित मानसून ट्रफ लाइन के चलते वर्षा के आसार बनेंगे। अगले एक सप्ताह तक पश्चिमी मध्य प्रदेश में इंदौर और उज्जैन संभाग के जिलों में बारिश की गतिविधियां कम दिखाई देंगी।